नमस्कार, सीनियर किचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लड्डू, जो बहुत टेस्टी होता है और घर पे ही बड़े आसानी तरीके से हम बना सकते हैं। और रोज़ के रूटीन में खाने के लिए हम ये लड्डू बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाएंगे घर में लड्डू देसी। तो उसके लिए हमें सामग्री हमने ली है आधा चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच सौंफ, थोड़ा सा जायफल, 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 काजू, थोड़े से अखरोट, 3 से 4 इलायची और थोड़े से टुकड़े में लिया हमने दालचीनी और 1 चम्मच लिया है हमने धनिया साबुत और 6 से 7 हमने लिया है लौंग। तो इन सबको हम फ्राई पैन में डाल के रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। हम इससे 1.5 कप, इस कटोरी से 1.5 कटोरी आटा लेंगे। हम आटे से ही बनाएंगे इस लड्डू को और बाकी हम, आप चाहे तो गुड़ में बनाइए और नहीं तो चीनी में बनाइए। वैसे तो आप चीनी से ज़्यादा अगर गुड़ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा शरीर को। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। अब हम सारे सामग्री को एक एक करके रोस्ट करेंगे या सारा एक इकट्ठे डाल के हल्का हल्का रोस्ट करने से सिर्फ नमी निकालनी है हमें को। तो चलिए करते हैं। देखिए हमारा ये फ्राई पैन गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम पहले धनिया साबुत, फिर सौंफ और डाला हमने काली मिर्च, फिर लौंग, फिर इलायची और ये जो जायफल है हम इसको ऐसे ही कूट के डाल देंगे और दालचीनी और ये तेज़पत्ता। अब हम इसको आराम से बिल्कुल सेम आँच पे हमें इसे गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करना है हमको। और इसको बस सिर्फ इसमें से नमी निकालनी है। ये हमारा भुन गया, अब हम इसमें डालेंगे ये काजू, अखरोट। आप चाहें तो इसमें गोंद भी डाल सकते हैं और मखाने भी डाल सकते हैं, जिसे हड्डियों के लिए मजबूत होता है वो। ये सब चीज़ें आप डाल के अच्छे से लड्डू बना सकते हैं घर पे ही। और इसे हमें आप बच्चों के लिए खाने में बहुत अच्छे से खा लेंगे बच्चे इसको, और बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे इसको। तो देखिए हम इसको करते हैं और बना के रख दीजिए। सुबह सुबह एक लड्डू दूध के साथ दे दीजिए, चाहे ऐसे भी आप खा के पानी पी सकते हैं। ये हमारा हो गया ये रोस्ट, हम गैस बंद करेंगे। अब हम इसको एक बर्तन में रख के ठंडा करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे बस, ज़्यादा नहीं। इसको बंद कर दीजिए, अभी इतना गर्म है जिसमें चटक जाएगा। इसको हम साबुती डालेंगे, इसको पीसेंगे नहीं, इसको हम अलग रख लेंगे, बाद में साबुती डालेंगे इसको। देखिए हो गया बिल्कुल ब्राउन। तो देखिए हमने जार लिए हैं, इसमें हम सारे चीज़ों को डाल देंगे और हम इसको सिर्फ दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है हमें। अभी मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ कितना आपको बारीक चाहिए। ये मैंने पास से दिखाती हूँ आपको, इतना दरदरा है ये हमारा। और इसको अब हम साइड में रख देते हैं, हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जो फ्राई पैन लिया था इसमें हम इस आटे को डालेंगे। एक कटोरी आटा ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। घी डालने के बाद इसको अच्छे से हाथ से पहले मिक्स कर लेना है, जिससे ये बिल्कुल भी इसके अंदर गांठे ना आए हैं। अब भूनते समय ये प्रॉपर भुन जाएगा। इसको आराम से आप पहले आटे में इसको मिक्स कर लीजिए, ऐसे कम पड़ेगा, हम घी और ले लेंगे। लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर ऐसे ही आटे में मिसेंगे, इसको बराबर मिक्स करेंगे।
गई। इसमें देखिए ऐसे हो गए ना ये, हम इसमें और थोड़ा सा और डालेंगे घी, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा और पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा सा और इसमें घी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 3 चम्मच घी और डाला है मैंने इसमें। इसको फिर हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप कभी भी लड्डू बनाते हैं या पंजीरी बनाते हैं, अगर आपको आपको लगता है भूनते समय ये मतलब गांठ बन जाती है, ऐसी दिक्कत हो आपको, तो आप पहले इसको ऐसे ही मिक्स कर लीजिए हाथों से, फिर उसके बाद ये देखिए ऐसे होने लगा नहीं, और जब हम इसको भूनेंगे ना तो इसमें से घी छोड़, तो ये देखिए हो गया ना ऐसा, जैसे लड्डू बांधते हैं वैसा ही हो गया ये। अब इसको हम भूनेंगे। देखिए हमने गैस जला लिया है, अब हम उसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ही भूनेंगे आटे को। देखिए बड़े आराम से ये भूनेगा, आटा है तो थोड़ा टाइम लगता है आटे को भूनने के लिए, और ऐसे ही धीरे धीरे चला चला के ऐसे आराम से भूनते रहेंगे, भून जाएगा ये लड्डू। सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना के में बिल्कुल लड्डू बिल्कुल प्रोटीन वाला है, और इसको खाने से अब तो हमें लगता है ऐसा कि जब ये चीज़ें हमें रूटीन में ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तो कोरोना इतना बढ़ गया है कि हमें अपने बच्चों को भी ये लड्डू देना चाहिए, ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, काली मिर्च वगैरह है तो लड्डू में शौक से खा लेंगे इसको। देखिए अच्छे से भूनेंगे इसको, हमें इसे मीडियम पे ही भूनना है, ज़्यादा तेज आंच करके मत भूनिएगा नहीं तो ये जल जाएगा, क्योंकि आटा बारीक होता है। तो देखिए हमारा ये आटा भून के, मुझे इसे 15 से 20 मिनट लगा है भूनने में, और देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया ये भून के। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे इसको भूना है। अब हम इसको गैस को बंद करके पहले हम इसको निकालेंगे, ठंडा होने देंगे हल्का, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है इसको, गर्म में ही लड्डू बनाना है। तो अभी हम इसे प्लेट में लेते हैं, फिर हम दिखाएंगे इसको गुड़ में कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम दोबारा उसी कढ़ाई को रखे हैं, अब इसको गर्म करेंगे, और उसमें हमने ये गुड़ को तोड़ लिया है जिसे जल्दी पिघल जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी इसको, जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी लिया है, आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर बूरा होता अगर गुड़ का बूरे में भी आप बना सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी इसको पिघलाने के लिए, बस। अब इसको अच्छे से हम इसकी चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस ये चाशनी बने और चटचट करने लगेगा तभी हम इसको इसी में डाल देंगे आटे को। देखिए हम इसे आराम से इसकी चाशनी बनाए तक हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा टाइट चाशनी नहीं बनानी है, बस जब हम ये बुलबुले से छोड़ने लगेंगे और इसका पानी जल जाएगा जो एक्स्ट्रा डाला था हमने, हल्का रह जाएगा तो उसी तभी हम उतार देंगे इसको, नहीं तो लड्डू हमारे बहुत टाइट हो जाएंगे। देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है, अगर आपके पास बूरे से बनाते तो और आसानी से बन जाता, जैसे हमने भूना था उसको, फिर आटे में ही गरम गरम हल्का गुनगुने आटे में ही बूरे को डाल के और थोड़ा सा और घी डाल के और सारा सामान मिक्स करके फटाफट बन जाता है, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए मेरे पास बूरा नहीं था इसलिए मैं गुड़ में चाशनी में बना के दिखा रही हूँ। देखिए इसका बुलबुला ख़त्म होने वाला है, अब ये हो गया है, अब मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को, पानी इसका जल गया है, अभी हो गया है हमारा। देखिए हम ज़्यादा इसलिए नहीं इसको करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत टाइट हार्ड हो जाएगा लड्डू और हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये। देखिए ये हमारी चाशनी बन गई है, अब देखिए चिपचिपा होने लगा है, ऐसे छोड़ने पे लग रहा है चिपचिपा सा, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए
ये हो गया भुना हुआ था। अब हम ये जो चाशनी है इसमें हम ये सारा सामान डाल लेंगे। तो जो हमने तिल लिए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे। हमने जो इलायची के ये जो मसाले किए, जो हमने इलायची था उसका हमने जो ऊपर का चिकल था उतार दिया था। मैं आपको बता नहीं पाई क्योंकि वो मुंह में खाएंगे और पिसने में भी अच्छा नहीं लगेगा वो, इसलिए उसके सिर्फ मैंने दाने का यूज़ किया है। ताकि इसमें प्रॉपर ये मिक्स हो जाए। एक भी गाँठें नहीं रखनी है इसको। अभी हमारा सारा मसाला इसमें अच्छे से मिल गया है। अब हम ये सारा आटा जो भुना था वो डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए सच में ये कोरोना के लिए ना बहुत अच्छा लड्डू है। कोरोना में मतलब इसको खाएंगे तो आप बीमारी से बचे रहेंगे और दूर। तो देखिए ये अच्छे से हमने इसको मिला दिया है। ये देखिए अब हम इसको, अभी गर्म है, हल्का सा और ठंडा हो जाएगा। गर्म में मिला दिया इसको हमने, हल्का सा और ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू हमारी बन जाएगी। अभी गर्म है ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, बहुत बढ़िया लड्डू बनेंगे ये। अभी गर्म है ये बहुत ज़्यादा, हल्का गुनगुने में ही बांधना है इसको ताकि जल्दी से भी ठंडा होके फिर मतलब हम डब्बे में रखने के लायक हो जाएगा ये। क्योंकि हम बिल्कुल गर्म गर्म भी डब्बे में रख के नहीं बंद कर सकते इसको, नहीं तो भाप बन जाएगा और लड्डू हमारे सारे ख़राब हो जाएगा। हम इसे 2 हफ्ते तक का बना के रख सकते हैं एक बार में। अब गुनगुने में ही बांधेंगे नहीं तो बिल्कुल भी ठंडा होगा ना तो फिर ये बंधेगा भी नहीं। इसके ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बांधने, आपको थोड़े छोटे ही लड्डू बांधने क्योंकि ये इसमें सारे गर्म चीज़ें पड़ी हैं तो जिससे बच्चे खाएं तो नुकसान ना करें। देखिए सारा लड्डू हम ऐसे ही बना बना के, और सारा लड्डू बना के ऐसे ही रख लेंगे और जल्दी बना रहे हैं नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगी तो बंधेगा भी नहीं आपसे। ये देखिए ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। और 1.5 कटोरी आटे में कितने सारे लड्डू बने हैं। और आप चाहें तो आप जैसे आप मीठा कम बेसी करना कर सकते हैं आप। और जो सौंठ होता है ना, मैंने इसमें सौंठ नहीं डाला है, आप चाहें तो थोड़ा सा टुकड़ा सौंठ का भी डाल सकते हैं। वैसे बवासीर जिसको होगा वो सौंठ इसके अंदर नहीं डालेगा, नहीं तो वो नुकसान करता है, तो मैंने इसमें सौंठ नहीं डाला है। वैसे आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए हमारे बहुत ही अच्छे टेस्टी वाले लड्डू बन के तैयार हो गए। अब आप घर में बनाइए और आराम से आप बच्चों को भी दीजिए और ख़ुद भी खाइए। और किसी भी रीजन से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।